भारत की आज़ादी की क्रांति की मशाल जलाने वाले तात्या टोपे व तीन सगे भाइयों के साथ फांसी पर चढ़कर आज़ादी के दीवानों को और भी आक्रामक धार देने वाले दामोदर चापेकर को आज़ाद हिंद चेतना मंच और हिंदू चेतना मंच के सदस्यों ने गुरुवार को चेतना तिराहे पर गोरखपुर में पहली बार श्रद्धासुमन अर्पित किया। इन महान शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाया गया। इस दौरान कंचन हिंदू, नम्रता श्रीवास्तव, गीता हिंदू, सुमन हिंदू, राजन सिंह सूर्यवंशी, इंद्रजीत सिंह, अजय पासवान, दीनदयाल तिवारी आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों का होगा कि जो क्रिमिनल होते हैं उनका रास्ता है, और इसके बाद 14 मई को तीसरे भाई को अपराध में कहीं है। आपने सुना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भी तो आया, बहुत सारी चीजें हैं। हम अब इसके बाद फोटोग्राफी अपने दिन तात्या टोपे चापेकर बंधुओं का के त्याग का दिन है। इनके ही त्याग से, उन्हीं के शहादत से आज हम स्वतंत्र हैं। हमें खुशी होती है कि हिंदू चेतना मंच ऐसे ऐसे शहीदों को, ऐसे ऐसे त्याग की मूर्तियों को, उन लोगों के नाम को जो कि ये देश इनको याद भी नहीं करता, हमारे जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। यहाँ तक कि हमें लगता है बड़े बड़े लोगों को भी पता नहीं है कि ये चापेकर बंधु थे कौन। तो आज उनकी शहादत को और जब जब देश को जो जो बलिदान दिया उसके लिए जो हिंदू चेतना मंच कार्य कर रहा है, मैं हृदय से इन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। और ये विश्व का सबसे लंबा तिरंगा और हिंदू चेतना मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज जो ये हो रहा है, मैं ऐसे कार्यक्रम में मैं शरशत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ इन शहीदों को और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो हमारे सैनिक हैं वो दीर्घजीवी हों, शतायु हों और इतना उन्हें बल मिले कि माँ भारती के ऊपर कोई अपनी तिरछी निगाह से भी न देखे। मैं आप सभी का यहाँ पे आभार भी व्यक्त करती हूँ ऐसे अच्छे काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।